शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने दिया नया नाम, कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया होगा मेडिकल कॉलेज का नाम। 202 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेडिकल कॉलेज का हुआ लोकार्पण। सिंधिया परिवार कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, यही कारण है कि 202 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज जो मेरे पूज्य पिताजी कैलाशवासी श्रीमंत सिंधिया का सपना था, वह आज इस लोकार्पण समारोह के माध्यम से पूरा हुआ। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार जब बनाई थी तो हमने वचन भी दिया था और दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। महज 45 दिन की कांग्रेस सरकार ने शिवपुरी के विकास की नई नींव के रूप में मेडिकल कॉलेज जनता के लिए समर्पित किया है, जिसमें 15 आधुनिक लैब, 14 वातानुकूलित कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित प्रतिवर्ष 150 छात्र छात्राएं चिकित्सक के रूप में निकलेंगे और 200 बिस्तरों के अस्पताल का नया निर्माण भी यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास में ही होगा। शिवपुरी का जिला अस्पताल 350 नए बिस्तरों के साथ 650 की संख्या में पहुंचेगा और कुल मिलाकर शिवपुरी 1000 बिस्तरों के अस्पताल का होगा। यहां चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि भी होगी, इससे अब शिवपुरी को एक नई पहचान मिलेगी। उक्त उद्गार प्रकट किए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो स्थानीय शिवपुरी के नव निर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अतिथियों में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो, प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव, कमिश्नर बीएम शर्मा, कलेक्टर सुश्री अनुगयप्री, एसपी राजेश हिंगड़कर, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ईला गुजारिया, बीएमओ श्रीमती श्रीवास्तव, लोकसभा प्रभारी राजेंद्र भारती, विधायक पौरी सुरेश राठखेड़ा, विधायक करेरा जसवंत जाटव, पूर्व विधायक गणेश गौतम, हरिवल्लभ शुक्ला, महेंद्र सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष परमार सिंह रावत, नगरपालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाहा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं अन्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया एवं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कमिश्नर द्वारा किया गया, जबकि समापन अतिथियों को मेडिकल कॉलेज की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज का भ्रमण भी सांसद सिंधिया ने किया और एक एक कक्ष में जाकर वहां संचालित गतिविधियों को भी जाना। विश्वास है कि जितना अधिकार आप जनता को दोगे उतना ज्यादा अच्छा काम जनता के नुमाइंदे करके दिखाएंगे, ये विश्वास हमारा है। हाँ, और जहां भ्रष्टाचार पाया गया, जहां गलत काम पाया गया, वहां उस जनप्रतिनिधि को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे पंचायतों में ये भी सुना है मैंने कि काम गुणवत्ता के आधार पर नहीं हुआ है, उन दोनों के बीच में हमें उदाहरण बनाना होगा कि जिस पंचायत में काम अच्छा हो उसे मंच पर बुलाकर उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, अधिक राशि दी जानी चाहिए ताकि दूसरे सरपंचों के लिए उदाहरण हो, और जहां काम ठीक ना हो वहां दंड भी दिया जाना चाहिए ताकि कोई और ये हिम्मत ना करे कि जनता की आशा अभिलाषा पर पानी फेरा जाए। पर अधिकार आपके हाथ में दिया जाना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार अब बनी है, राशि में तो वृद्धि हो चुकी, जिला पंचायत अध्यक्ष को 50 लाख दिया गया है, पर केवल राशि में वृद्धि नहीं, ये अधिकार कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार आपके हाथ में दोबारा सौंपेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। वो थोड़े उत्साहित हो रहे थे कि प्रदर्शन हो, और मैं तो अच्छा अगर और उनका उनको दाद देता कि अगर जो 13 साल उनकी सरकार ने जनता के आंखों में धूल झोंका है और उनके आश्वासन पर विश्वासघात किया है, अगर उसके विरुद्ध अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन करते तो मैं पहचानता कि असली जनसेवक है। हमारी कॉलेज को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं, एमसीआई की टीम ने अभी निरीक्षण करने नहीं, हमें मान्यता है, मान्यता एमसीआई के द्वारा दिया जाता है हर साल के लिए, और शुरुआत करने के लिए पहली मान्यता होती है, फिर सेकेंड ईयर के लिए मान्यता होती है, फिर थर्ड ईयर के लिए मान्यता होती है, वो फर्स्ट ईयर की मान्यता हमें मिलती है। शिवपुरी से राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।